अब मैं चंद जुमले पेश करना चाहूँगा। जब इमाम तशरीफ़ ले आए तो अमूमन आमतौर से अलामात ज़हूर को पेश किया जाता है, ज़हूर के बाद का मरहला। अलामात ज़हूर में बहुत ज़्यादा अलामात, ज़हूर इमाम रोज़े आशूर करेंगे और मक्के से ज़हूर होगा, असर का वक्त होगा। 313 इमाम के ऐसे ख़ास अफराद होंगे जो फौरन बैत के लिए पहुंच जाएंगे, वो सब मक्के के नहीं होंगे, दुनिया भर से 313 ख़ास होंगे। लेकिन रिवायात के अल्फाज हैं कि यहाँ चलेंगे, चंद लहजों में इमाम की बारगाह में पहुंच जाएंगे। अरे जिसके चाहने वाले ऐसे हों, सोचिए इमाम कैसे होंगे। भाई अब चलते रहेंगे मेरे साथ? तो कहा ये 313 चंद लहजात में इमाम की बारगाह में पहुंचेंगे, ये हवाई जहाज से नहीं पहुंचेंगे, ये कोई हेलीकॉप्टर लेके नहीं जाएंगे, चंद कदम लेंगे। इसे कहा जाता है तय्युल अर्द, कि उनकी जमीन जो है उनके लिए सुकड़ जाएगी। वो इतनी तेज सफर तय करेंगे कि हर चीज उनमें से हर एक के पास तलवार होगी और नियाम में 1000 कलिमात होंगे, अस्माए यानी अल्लाह के नाम होंगे 1000 का। उनमें से कोई ऐसा नहीं होगा जो आम आदमी हो, वो इतने पहुंचे हुए होंगे कि बता सकेंगे कब्र में क्या हो रहा है, किसी की पता नहीं लोग हैं या नहीं है। ऐसे अफराद हैं जो कब्र का हाल देख के बता देते हैं बाहर से, इसमें रहमत नाजिल हो रही है या अज़ाब। लोग इमाम से मुतालिक शक करते हैं, अरे इमाम के तो खादिम ऐसे होंगे, इमाम कुछ और हैं। बात पहुंच रही है मेरी? सुनेंगे ना हजरात? तो कहा 1000 कलिमात होंगे उनकी दरबार में, ये 313 दुनिया भर से होंगे, सबसे ज्यादा कौमे मुकद्दस से होंगे। कितने? 38, 38 सबसे ज्यादा कौम से, उसके अलावा पूरी दुनिया से होंगे। और नाम भी और बताया भी कौन कौन से इलाकों से कितने कितने होंगे। छठे इमाम ने हर हर शहर का नाम बताया कि इस शहर से इतने, इस शहर से इतने, नजफ से कितने होंगे, करबला से कितने होंगे, बगदाद से कितने होंगे, मदीना से कितने होंगे, हर शहर का नाम बताया। घबरा रहे हैं हजरात, मुझे लगता है सुनना चाह रहे हैं इसका मतलब ऐसा है। तो कहा ये 313 खास होंगे। अच्छा, बहुत से लोग घबराए जाते हैं कि सिर्फ 313 ही होंगे मानने वाले, नहीं, हम जैसे तो लाखों करोड़ों होंगे। वो जो 313 खास होंगे वो ऐसे होंगे, पूछा मौला कौन कौन होगा उनमें, कहा अगर सहाबा रसूल में देखो तो सिर्फ और सिर्फ इतना मेयार उन 313 का बुलंद होगा कि सहाबा में सिर्फ, सहाबा रसूल में सिर्फ सलमान का इतना मेयार है, असहाबे अमीरुल मोमिनीन ने सिर्फ मालिक के अश्तर का इतना मेयार। पता नहीं लोग हैं या नहीं है, घबरा के सुन रहे हैं। और 313 ऐसे होंगे, कहा मौला कैसे होंगे, कहा हबीब जैसे 313 होंगे। 313 खास होंगे, उनमें 50 खवातीन होंगी। ये रिवायत अल्लामा मोहम्मद बाकिर मजलिसी ने लिखी है कि उन 313 में भी 50 खवातीन होंगी। इसलिए हमारी बहनों को कभी नाउम्मीद नहीं होना चाहिए कि उन खास में जो खास होंगे, आम तो बहुत ज्यादा होंगे। जहूर से पहले एक तिहाई जंगों में मारे जाएंगे, एक तिहाई बीमारियों में, एक तिहाई बाकी रह जाएंगे, दो तिहाई लोग मर जाएंगे, एक तिहाई बाकी रहेंगे। तो किसी ने पूछा मौला, छठे इमाम से पूछा, रसूल खुदा की हदीस है अहले सुन्नत की किताबों में कि दुनिया की आबादी 7 अदद होगी, ये नहीं बताया 7 लाख, 7 करोड़, 7 अरब, इस वक्त 7.5 अरब है। तो पैगंबर ने कहा 7 अदद आबादी होगी, 5 हर 7 में से 5 मर जाएंगे जहूर से पहले। पैगंबर ने कहा मेरे बेटे मेहदी के जहूर से पहले 5 मर जाएंगे, आधे बीमारियों में, आधे जंग। घबरा तो नहीं रहे? मुझे खामोशी से कुछ नहीं होता, बस बात पहुंचती रहे। ज्यादा वक्त नहीं लूंगा, बस ज्यादा जहमत नहीं दूंगा। तो कहा कि 313 खास होंगे। जब पूछा छठे इमाम से, कहा मौला जब दो तिहाई लोग मर जाएंगे या मारे जाएंगे तो बचेगा कौन? तो आपने फरमाया हमारा साहिब यानी साहिब जमान और हमारे शिया। कहा तुम हमेशा किल्लत में रहोगे, अल्लाह ऐसा इंतजाम करेगा कि तुम कसरत में आ जाओ। पता नहीं लोग हैं या नहीं है। कहा जो भी हमारा मानने वाला है वो महफूज रहेगा।
तो अब यहां पे बड़ी बहस की गई है कि मौला के हिसाब से मानने वाला या हमारे हिसाब से, पता नहीं लोग हैं या नहीं है। मौला के हिसाब से देखा जाए तो मेयार बहुत बुलंद है, उसमें तो मानने वाला कोई भी ना आए, इक्का दुक्का ही पहुंचेंगे। का मौला कैसा मानने वाला? मौला ने कहा जो भी हमारी विलायत को मानता है वो हमारा, पता नहीं लोग है या नहीं। का जो भी हमें मानता है वो हमारा है। का मौला क्या मेयार हो? मौला ने कहा कि हमारा बेअमल भी उनके बामल से अफजल है। मैं ये लाइसेंस नहीं दे रहा हूं गुनाहों का, लेकिन इसको कभी भी अपने किसी गुनहगार भाई को भी तोहिन ना करें, मैं इसलिए ये बात पेश कर रहा हूं। कहा कि हमारा बेअमल भी उनके बामल से अफजल है। का मौला क्यों? कहा क्योंकि वो हमारा, जो हमारी विलायत रखता है वो हमारा है। जो मानता ही नहीं जितना मर्जी अमल करता जाए, जो मानता नहीं कुछ कबूल नहीं। बस मैं इख्तिताम कर रहा हूँ, सुन लेंगे इंशाल्लाह। तो इमाम ज़ुहूर करेंगे पहले मक्के से और फिर मदीने जाएंगे, वक्त नहीं है, ये खुद किताबों के मौजूआत हैं मुफसल। मदीने तशरीफ़ लाएंगे, मदीने में रोज़ा रसूल की तामीर करेंगे और जनाब सैयदा के मज़ार की तामीर करेंगे। उस ज़माने में जब इमाम ने कहा था तो तसव्वुर भी नहीं था कि जनाब सैयदा का रोज़ा ढा दिया जाएगा। फिर पूछा मौला मदीने से कहाँ जाएंगे? कहा मदीने से सबसे पहले करबला तशरीफ लाएंगे, सबसे पहले करबला। आशूरे पे जहूर करेंगे तो शायद अरबईन के दिन हो, चहलुम के अय्याम हो, जब मौला करबला आएंगे। कहा जब करबला तशरीफ लाएंगे तो क्या हाल होगा? कहा वहां बे इंतहा जायरीन होंगे, ऐलान हो चुका होगा, सब जानते होंगे, बारहवें इमाम आ चुके हैं। कहा जायरीन की बड़ी कसरत होगी जब बारहवें इमाम जहूर करेंगे। कहा लेकिन जब जहूर करने के बाद हरम जाएंगे तो ऐसी कशिश होगी हरम में और इमाम ज़माना में कि इमाम के लिए खुद ब खुद रास्ता बनता जाएगा, यानी लोग रास्ता देते चले जाएंगे। कहा एक मर्तबा साहिबुज़्ज़मान जब हरम में जाएंगे तो दरवाजे खुले हुए होंगे, यहाँ तक है कि जब ज़रिए मुक़द्दस पे आएंगे तो इमाम के लिए ज़रिए मुक़द्दस का दरवाज़ा खुल जाएगा। बारहवें इमाम के लिए ज़री का दरवाज़ा खुल जाएगा, आप ज़री के अंदर जाएंगे। अगर देख सके तो सब मेरी तरफ देखिएगा। ये बहुत बड़े एक आलिम के हज़रत सिसानी के वकील के जुमले हैं, वो कहते हैं कि जब इमाम ज़माना हरम के अंदर जाएंगे, ज़री के दरवाज़े खुलेंगे, इमाम ज़माना ज़री के अंदर चले जाएंगे।